अगर आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है और आप नए नए प्रयोग करने और नई नई खोजें करने का अरमान रखते हैं और इन खोजों की मदद से आप समाज और देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के बारे में जानें। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा। अगर आप वैज्ञानिक बनने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये पता लगाइए कि क्या आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और आपको हर समस्या का हल ढूंढना अच्छा लगता है। एजुकेशनल पर्पज़ के तहत वैज्ञानिक बनने के लिए आपका 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी और जिसके लिए आप बैचलर ऑफ साइंस बी या बीटेक जैसी डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको एई और आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। इसके अलावा आप ऐसे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से भी ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं जो परसेंटेज बेस पर एडमिशन देते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेनी होगी, जो मास्टर ऑफ साइंस हो सकती है या एमई या एमटेक हो सकती है। इसके लिए आपको गेट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। आप चाहें तो ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी में भी आप जा सकते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ARS, NET, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस साइंटिस्ट एंट्रेंस टेस्ट, DRDO इत्यादि। ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अपनी पसंदीदा इंस्टीट्यूट में साइंस साइंटिस्ट के तौर पर जॉब दिलाते हैं। वैज्ञानिक बनने के लिए आपको माइंड की पावर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, वैज्ञानिक बनने के लिए आपको माइंड की पावर की और इंटेलिजेंस की बेहद ज़रूरी है। अगर आपका जज्बा और जुनून है तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, चाहे क्यों ना हो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। धन्यवाद। हमारी जागरूक टीम को उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके साइंटिस्ट बनने के अरमान को पूरा करने में मददगार होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।